ବିହାରରେ ଅଗ୍ନିପଥ ନିଆଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଯୁବକ ସଂଗଠନ ଏହି ଯୋଜନା ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। विक्षोभकारी अनेक स्थान में यात्रीवाही ट्रेन रे निया लगाई अनेक रेलवे स्टेशन रे भंगारुजा कर छात्र माने रेल धारणा उपरे धारणा देस आरा स्टेशन रे भंगारुजा कर बबुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस रे निया लगाई ट्रेन सेवा पूरापूरी बाधाप्राप्त होती। से गुरुग्राम रे दिल्ली जयपुर हाईवे को युवक मैंने अवरोध करछती। या पूर्व बक्सर मुजफ्फरपुर गयारे विक्षोभ प्रदर्शन होता। केवल बिहार रे नुहे गुरुग्राम रे तीव्र विरोध कर बिहार रो बक्सर जहानाबाद रे छात्र मैंने विक्षोभ प्रदर्शन कर छात्र मैंने जहानाबाद रे 83 नंबर जातीय राजपथ एवं 110 नंबर जातीय राजपथ रे टायर जली अवरोध कर फलरे यातायात ठप हो पड़ी। केन्द्र सरकार योजन सेनारे 4 वर्ष काम करने अवसर नेबु हेले अवसर नेबापरे पुणी आमे माने कौन करिबु बोली से माने असंतुष्ट छात्र माने प्रश्न करछंती। 4 वर्ष पूर्ण हेबा परे 25% अग्निवीर को स्थायी क्याडर रे नियुक्ति दिया किंतु बाकी दशम और द्वादश श्रेणी पास करी अग्निवीर होता 75% युवकों पाखे 4 वर्ष पर कौन विकल्प सरकार जदियो तांको 12 लाख टंका सेवानिधि देवे किंतु आउ एक चाकरी देवाई सरकार पाखे कौन योजना रही प्रश्न उठुची। उल्लेखयोग्य केन्द्र सरकार पक्षर् भारतीय सेना वायुसेना एवं नौसेन निजुक्ति अग्निपथ योजना आरंभ करने को घोषणा करोजना अधीन इच्छुक युवक मान 4 वर्ष सशस्त्र बाहन निजुक्ति ड्यूटी लागू हुआ है डिमांड है सरकार से जो टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है मान लीजिए 4 साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए 4 साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा चार यहाँ पर आकर आतंकवादिया ना बनेगा मान लीजिए वहाँ से तो पूरा ट्रेन वगैरह आएगा यहाँ पर आएगा तो पुलिस से भी ना पकड़ाएगा पुलिस जो आर्मी का ट्रेनिंग लेकर आएगा यहाँ पर पुलिस से पकड़ाएगा। आपके कहने का मतलब है कि अपराधी बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। हाँ अपराधी नक्सली बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। अच्छा सर मुख्य मुद्दा है ये मुख्य मुद्दा है कि टीओडी वापस करे और जो हमारा आर्मी एग्जाम सी पेंडिंग है वो कराया जाए जल्द से जल्द कराया जाए या युवा का यही मांग है टीओडी वापस किया जाए और सी एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। हम लोग का 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा है कोरोना काल का बता के बार बार कैंसिल किया जा रहा है और ये बताना चाहते हैं कि ये अफसरों पर क्यों नहीं लागू है टीओडी केवल जवानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है किसानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है। टीओडी लागू हुआ है तो पूरे अफसरों पर भी लागू टीओडी अफसरों पर भी लगाओ केवल जवानों पर क्यों लगाया जा रहा है। हमारा 2 साल से पेंडिंग चल रहा है और बार बार एडमिट कार्ड कैंसिल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कोरोना है आज बताया जा रहा है कि एग्जाम ये हो गया वो हो गया उसके बाद कोई लग रहा है कि रक्षा मंत्री जी हमारे राजनाथ जी हैं जो कुछ भी आदेश नहीं कर रहे हैं कुछ भी स्पष्ट शब्दों में बयान नहीं कर रहे हैं हम लोग क्या करें हम लोग। हाँ सर आपके आंदोलन से फायदा होगा आंदोलन से सर नहीं हम लोग अपना मुद्दा रख रहे हैं युवा क्या करे नक्सली बने क्या करे
चार साल रेलवे के भर्ती हो गया, ये ग्रुप डी की भर्ती नहीं हो रही है, हम लोग क्या करें? चार साल हो गया रेलवे का एग्जाम भी नहीं हो रहा है, सी एग्जाम नहीं हुआ है, ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं हुआ है, रेलवे का कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, हमारा तो डेढ़ साल हो गया अभी तक एग्जाम नहीं कराया जा रहा है, युवा के साथ ये और बोल रहे हैं कि टीओडी का चार साल का। मेरा नाम अक्षय रावत है। अच्छा जी, आज रोड शो किया है, धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन रहे तो। अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं, हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नई बात माने, हम यहाँ से रोड से उठेंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल हटाई जाएंगे। हम मरे हुए समान है, हमारी सांसें छीन ली गई है, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शकल खबर।